और अगर दोस्तों हमसे कोई पूछे कि आईफोन ब्लॉगिंग के लिए सही है कि नहीं, तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब होगा, बस दोस्तों आप लोग के प्यार और सपोर्ट से इतनी ऊंचाई ऊपर आ चुका हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत आप सभी का एक नए ब्लॉग में। सुबह सुबह अभी आए हैं बेल का पत्ता तोड़ने, तो इस तरह का बेल का पत्ता तोड़ना है जिसमें केवल तीन पत्ते ही हों। एक दो को यहाँ पर भी दिख रहा है, तो काम भर का हम पत्ता तोड़ लिए हैं, अब चल रहे हैं घर। राम राम पंडित जी, गुड मॉर्निंग बोल दो माँ। गुड मॉर्निंग। और कुछ सामान दोस्तों यहाँ पर भी इकट्ठा हम लोग कर लिए हैं, लगभग में सारा सामान हम लोग इकट्ठा कर लिए हैं। और कुछ बाकी है माँ? पंडित जी से पूछ लियो। और कुछ लगेगा पंडित जी? अब एक चीज वो ना है, दही नहीं। दही अम्मा? दही ले आए दोस्तों, पूजा पाठ के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। अम्मा रंग लगा रही पैर में। ये देखिए मेरा अलग डिजाइन है और इनका अलग डिजाइन है। तो हम दोनों के पैरों में रंग लग चुका है और हम दोनों पूजा पाठ के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हो चुके हैं। यही गैलरी में दोस्तों हम लोग का पूजा पाठ होगा। तो दोस्तों फाइनली हमारे नए फोन की पूजा पाठ हो चुकी है। पंडित जी चल रहे हैं अपना घर, अपना धन्यवाद इसे। मिठाई तो ऐसे नहीं लाए थे, कहे का पंडित जी सुबह ही आ गए थे, तो हम लोग को नहीं पता था कि दोस्तों कि पंडित जी 9 बजे आएंगे कि 10 बजे की शाम को आएंगे, तो अब जा रहे हैं मिठाई लाने। जा ही रहे थे लड्डू लाना, देखो पिताजी भी आ गए काम पर से। ठीक है, ला रहे लड्डू, खिलाएंगे। लड्डू दे दो 2 किलो। लाओ भैया 2 किलो लड्डू हो हमारा। ले अम्मा ले आए 2 किलो लड्डू, पूरे मोहल्ले का मुंह मीठा कराना आज। तो ये रहा दोस्तों हमारे गांव का लड्डू। सन्नाटा है यार, कोई दिख ही नहीं रही। भाभी दे दिया ना, ठीक है थोड़ा बाटी आस पास। तो टोला पड़ोसी का मुंह मीठा करा चुके, पूरा गत्ता खाली हो चुका है। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। ये देखिए दोस्तों आ गए इन लोगों को स्कूल खिला कर। ततनी लेकर आओ, लेकर आओ। स्कूल से आते ही क्या खाने लगी? चूरन, बहुत मजा आता है चूरन खाने में। एक चीज और खिलाए हम, ये जो मोबाइल हमारा नया वाला आईफोन ना, थोड़ी देर पहले ना इसका पूजा हुआ था। हाँ लड्डू हाँ लाए हैं लल्ला। तब से ये चुनरी यहीं पर है। हाँ, अभी रखेंगे। उड़ाई है ये बेचारे को। ये बेचारा दुल्ही है, इसका सारी वाह है। है। दोपहर का 2 बज चुका है और धूप भी बहुत ही तगड़ा है। ऐसे तड़कते भड़कते गर्मी में हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। मोबाइल हमको दे दो, मेरे वाला।
क्या करोगे नया वाला मोबाइल में? कार्टून देखूंगी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बस कार्टून सूझता है? कार्टून और पढ़ाई? पढ़ाई तो भूल जाते हैं। क्या क्या कर दोगी? मोबाइल फोड़ दोगी? हमारा किडनी चला जाएगा लाला इसके चक्कर में, मोबाइल फोड़ देगी तो। नहीं तो तुम्हारा किडनी फोड़ दूंगी। अरे मैया रे, ये लो गुल्ला खाओ। ये ले खारी खाइए। क्या हो गया? जल कहाँ रहा है? आई लाला नहीं जल रहा है। खा लो। तबीयत लेके आई गई। आता है कृति आपको ये वाला खेला? चल लल्ला। ये है दोस्तों अगला दिन। कल के दिन तो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे, कल गए थे दवा लाने, तबीयत बहुत ज्यादा इस समय खराब है। अभी आए हैं अपने घर से 2 किलोमीटर दूर ये वाले पानी की टंकी के पास, और अभी चढ़ेंगे इसके ऊपर जो कि लगभग है 60-70 फीट ऊंचा। साथ में एक इंसान और है हमारे पास, वो देखो। आज यहाँ से देखेंगे दोस्तों जो ये वाला आईफोन है, यहाँ से इधर का एरिया कैसे कैप्चर करता है, कितना बढ़िया क्वालिटी देता है, गांव का अपना है, लुक भी दिख जाएगा। लगभग दोस्तों 30 फीट ऊंचाई पर आ चुके हैं, अभी तो हम लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हैं, अब चलते हैं और ऊपर। सबसे ज्यादा डर यही लग रहा भाई, मोबाइल छूटा तो समझो अपना प्राण छूटा। प्राण छूटा। अब बारी है दोस्तों इसके सबसे ऊपर जाने का, जो कि वाकई में बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसके जरिए हम लोग को ऊपर चढ़ना है। राम 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 राम। जो सामने टावर रहता है ना मेरे घर के, वो लगभग इसका 1.5 से 2 गुना की ऊंचाई होगा, उस पर हम चढ़े हैं यार एकदम टॉप पर। तो ये फिर तो उसका आधा, ये 50-60 फीट है, 70 फीट होगा वो तो, लगभग होता है 120-130 पता नहीं कितना होता है। ओ भाई, यार मोबाइल में गर्म हो गया, वीडियो भी नहीं बन पा रहा है। ओ भाई साहब, डबल आवाज आ रहा है यहाँ। जय श्री राम। आज दोस्तों आप लोग के प्यार और सपोर्ट से इतनी ऊंचाई ऊपर आ चुका हूँ, देख लो। ये कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। ये देखो बाइक वाले अभी इतना बड़ा दिख रहे हैं, और ये देखो रियल में इतने छोटे दिख रहे हैं भाई। यार इंजन गर्म हो गया, अंदर अंदर का इंजन गर्म हो गया मेरा। क्या हुआ? मेरे अंदर का इंजन नहीं संभाल रहा भाई धूप में। तो हेलो भाऊ, लाइक कर दो भाऊ। क्या हो यार, 1.5 मिलियन कब होगा? अगले जन्म में होगा कहा 1.5 मिलियन? हेलो सब्सक्राइब कर दो भैया, आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो यार। पूरे 1 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर आए हुए, तो अभी हम लोग नीचे चल रहे हैं। देखो कितना नीचे आ गए हम लोग, और फटाक से 180 की स्पीड में नीचे चलते हैं।
समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों हमसे कोई पूछे कि आईफोन ब्लॉगिंग के लिए सही है कि नहीं, तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब होगा, भाई एकदम लाजवाब है भाई, कोई कमी नहीं आईफोन जो हम लिए ये वाला भाई, कसम से एकदम लाजवाब आईफोन, मतलब ब्लॉगिंग के लिए एकदम बनाई है समझ लो, तभी बेस्ट है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हम ये बोल दिया कि आईफोन ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं भाई आप लोग भी आईफोन ले लो, भाई कोई जरूरत नहीं इतना महंगा फोन लेने की। हम सोशल मीडिया पर 5-6 साल से काम कर रहे हैं, तो इसलिए मेरी मजबूरी थी कि अब मुझे फोन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम आईफोन लिए हैं।